हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। गाइज, वैसे तो जो टैनिंग की प्रॉब्लम होती है काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये हमेशा हो जाती है, बट ये जो होली से पहले का जो टाइम होता है इसमें टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें होली की प्रिपरेशन करनी होती हैं, जैसे कि हमें होली के लिए शॉपिंग करनी होती है और हमें पापड़ बनाने होते हैं, तो इस समय हमारा सन एक्सपोजर बढ़ जाता है जिससे हमें टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा D10 फेस मास्क, फेस एंड बॉडी मास्क, जो ना सिर्फ आपकी टैन को रिमूव करेगा बल्कि आपके स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाएगा। इससे पहले कि मैं ये मास्क बताऊं क्या है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक मिक्सिंग बोल। उसके बाद आपको ये जो लाल वाली मसूर की दाल होती है इसे आपको इसको पीस के इसका पाउडर बना लेना है। सो मैंने इसका पाउडर बना लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं मास्क को प्रिपेयर करना। सो D10 फेस मास्क बनाने के फेस और बॉडी मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ये दाल का पाउडर और उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच बेसन। इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है दही योगर्ट आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी दही है तो मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रॉ मिल्क। सो इसमें मैंने 3 चम्मच रॉ मिल्क ऐड कर लिया और उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा मास्क बनके तैयार है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस। सो ये मास्क बनके तैयार है और अब मैं बताती हूँ कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसे अपनी नेक पे भी अप्लाई करूंगी और अपने हाथों पे भी अप्लाई करूंगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने इसे अपने फेस पे और अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया है, आपको जहाँ पे भी टैनिंग की प्रॉब्लम है आप इसे वहाँ पे अप्लाई करें। कहने का मतलब यह है कि आप इसे अपनी कंप्लीट बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका जहाँ पे भी टैन होगा उसे रिमूव कर देगा। सो मैंने इसे अप्लाई कर लिया और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं बताती हूँ कि आपको इसे रिमूव कैसे करना है। सो गाइस, जैसा कि मेरा ये मास्क ड्राई हो चुका है और इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको हल्का सा पानी लेना है और इसे अच्छे से रब कर लेना है, इसे स्क्रब करना है बेसिकली आपको आपकी बॉडी पे, और उसके बाद इसे आपको वॉश कर लेना है। सो जैसा कि मैंने अपने मास्क को रिमूव कर लिया है और आप सब देख सकते हैं कि मेरी पहले की स्किन में और अभी की स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मेरी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, वो तो आपको कैमरे पे नहीं पता चलेगा, बट हाँ, पहले से जो ग्लो आ गया है मेरे स्किन पे वो आपको डेफिनेटली कैमरे पे दिख रहा होगा और हो सकता है कैमरे पे भी अच्छे से ना दिख रहा हो, बट मेरी स्किन, आई फील कि मेरी स्किन काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग हो गई है। सो गाइज, इस मास्क को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया था ये लाल वाली मसूर की दाल। ये बहुत ही अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए, हमारी स्किन से टैन को रिमूव करने के लिए। हमारी स्किन पे ये एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करता है और आप इसे सिर्फ टैन रिमूवल के लिए ना इस्तेमाल करके आप इसे वीक में 1-2 बार ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग बनी रहेगी, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। आपको इसे इस तरह से पाउडर बना के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत लगे आप बस इसे आप इसका पेस्ट बनाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस रेमेडी में मैंने जो भी सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आपको आपके किचन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। सो गाइज़, इस रेमेडी को आप ट्राई करें, इस D10 मास्क को आप ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय गाइज़।